हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिनेश सर। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी की सैर करने। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही पुरानी है और इंडिया की शान है। इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है। मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी डिग्री है जो आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी डिग्री है जो आप यहाँ से कर सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग है, छोटी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी, बहुत सारे तो यहाँ पर रोड्स है, कैंपस है। इसको घूमते घूमते आप थक जाएंगे लेकिन कैंपस ख़त्म नहीं होगा। हर एक डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम हाउस, आइडल बिल्डिंग से लेके जो भी चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाली है। तो आइए चलिए, इस वीडियो में आपको मैं लेके चलता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी देने, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो रोड्स है, जो बिल्डिंग्स है, जो पूरा का पूरा कैंपस है वो कैसा है, चलिए देखते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1857 में हुई थी और ये इंडिया के सबसे पहले तीन यूनिवर्सिटीज़ में आता है। जब 1996 के लगभग में बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई रख दिया गया तब इस यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रख दिया गया। सन 2001 में मुंबई यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा 5 स्टार दिया गया था और 2012 में नैक कमेटी द्वारा इस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है। चलो आओ देखते हैं इसे और डिटेल में। हम सांता क्रूज हाईवे की तरफ से एंट्री ले रहे हैं और कलीना की तरफ घूम के आते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें राइट साइड में दिखाई देता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का गेट। अब इस मुंबई यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर आपको इस तरह का नज़ारा मिलता है, इस तरह की शानदार एंट्री है। यहाँ से एंट्री करते ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी चेकिंग्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। राइट साइड में आप देखते हैं हेल्थ सेंटर जो बिल्डिंग है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूरल स्टडीज एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के भी कोर्सेज अवेलेबल है। ये आपको मेन जंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से राइट साइड में स्टाफ क्वार्टर्स और सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल है एंड स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पर Route 1 में इसे कहूँगा, यहाँ से जहाँ से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। और ये जो लेफ्ट साइड में रूट गया इसे Route 2 हम नाम देंगे। चलिए Route 1 पर आगे बढ़ते हैं। आपको Route 1 पर राइट साइड में जो कैंपस दिख रहा है ये पंडिता रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस है। यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको राइट साइड में एक वेस्टर्न कल्चर की बहुत ही शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि फिरोज शाह मेहता भवन है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविक्स एंड पॉलिटिक्स है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें आइडल बिल्डिंग दिखाई देती है। आइडल बिल्डिंग जो जिसका नाम है शंकर दयाल शर्मा भवन, इसके अंदर आप करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो उसके सारे डिपार्टमेंट यहीं पर हैं और आपको सिर्फ यहीं पर आना होता है और यहीं से सारे आपके जो है ट्रांजेक्शन करने होते हैं या कम्युनिकेशन करने होते हैं। ये जो रिक्शे की लाइन दिख रही है यहाँ से आप सांता क्रूज या तो कुर्ला के लिए शेयरिंग ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। आइडल बिल्डिंग का ये बैकग्राउंड है। इस बैक साइड में हमें मिलते हैं स्टडी मटेरियल के काउंटर्स। आप जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपकी 2 स्लिप जनरेट होती है स्टडी मटेरियल्स की, उसमें से 1 स्लिप यहाँ पर आप आकर काउंटर पर सबमिट करते हैं और आप यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप करेस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं बीकॉम, एमकॉम या तो बीए, एमए या कोई भी करेस्पॉन्डिंग डिग्री आइडल की, तो आपको सारा का सारा कम्युनिकेशन सिर्फ इसी बिल्डिंग से ही करना है और यूनिवर्सिटी के किसी भी पार्ट से आपका लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो आपको उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ के लेफ्ट लेते हैं तो आपको सीधे दिखाई देता है गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ये यहाँ की एंट्री है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इसकी बिल्डिंग दिखाई देती है गरवारे इंस्टीट्यूट की। चलो दोस्तों यहाँ से रोड के जरिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में तो आपको आगे चल के दिखाई देता है एक भवन जिसका नाम है सीडी देशमुख भवन, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ से हम राइट लेते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में एक नया स्टाइल का कंस्ट्रक्शन दिखेगा, जो न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो अभी तैयार हो रही है, बन रही है और फ्यूचर में तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको आगे ओल्ड लाइब्रेरी बिल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ के थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं तो सामने आपको एक खुला मैदान दिखता है और जहाँ पर आपको एक टावर सा बना हुआ दिखाई देता है। तो
ये एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सामने की जो बिल्डिंग है वो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये सामने जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, यहाँ पर रिजर्वेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ओबीसी एससी एसटी एनटी से लेके उनकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से होते हैं। थोड़ा आगे जाकर आप देखते हैं एक जंक्शन मिलता है, राइट साइड में अगर आप जाते हैं तो आप सेंटा क्रूज स्टेशन की तरफ जो बैक साइड का गेट है वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट साइड में घूम रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस तरफ हम जा रहे हैं। इस तरफ जब आप जाते हैं तो आपको एक बहुत ही सुनहरा रास्ता दिखाई देता है हरियाली के साथ, मनमोह लेने वाला रास्ता। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं तो पुरानी लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिखाई देती है, जब आप आज काम की नहीं रही है, जिसकी जगह पर नई लाइब्रेरी बिल्डिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नैनो टेक्नोलॉजी की जो बिल्डिंग है यहाँ पर, नैनो साइंस एंड रिसर्च यहाँ पर किया जाता है जो कि न्यूली ओपन्ड है। और आगे जाते हैं जंक्शन पर आपको एक छोटी सी कैंटीन मिलती है जहाँ पर आप उपहार कर सकते हैं, यानी खाना वाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। थोड़ा आगे आप देखते हैं एग्जाम हाउस है, महात्मा ज्योतिराव फुले भवन। ये एग्जाम हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रिजल्ट से लेके मार्कशीट सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंटेशन यहीं पर होते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, आपके करेक्शंस हैं, तो आप यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर से इंक्वायरी कर सकते हैं, टोकन लेके आगे जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ के जब हम राइट लेते हैं तो आपको बिल्डिंग दिखाई देती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस की, ये भी न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है नए नए बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटी की जमीन बहुत बड़ी है और हर एक पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया गया है न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ। यहाँ पर और भी आपको कुछ डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। आगे जो आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो इस भवन से अटैच होता है। यहाँ पर मास्टर इन एजुकेशन आप कर सकते हैं जिसके लिए नियरली 8 सीट अवेलेबल होती है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है शंकर राव भवन, एंड आगे इसके लेफ्ट साइड में आप देखते हैं तो अल्केश दिनेश मोदी इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम, जिसके अंदर फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट स्टडीज के एडमिशन्स होते हैं। आगे आप देखेंगे जो मुंबई यूनिवर्सिटी की मेन स्पॉट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, वो हमारी कैंटीन, मेन कैंटीन। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कैंटीन है बट जो मेन कैंटीन यही है। ये जो बस स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आप सांता क्रूज एंड कुर्ला के लिए बसेस ले सकते हैं और डायरेक्ट स्टेशन पहुँच सकते हैं। हम फिर से घूम के सी डी देशमुख भवन की तरफ आ चुके हैं जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। हम जब गोल घूम कर गए थे वापस उस स्पॉट पर आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको मेन लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिखाई देती है जो अभी भी एक्टिव है। एक सर्कुलर गार्डन है, उसके सामने जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी आपको दिखाई देती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी होती है, कार्ड बनाना पड़ता है और आप रेगुलर इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो ये लेन जा रहा है, इस लेन से जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को इस कैंपस के और भी कुछ भवन दिखाई देते हैं। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जितने भी ट्री है आपको उस पर नंबर दिखेगा, हर एक ट्री की काउंटिंग की गई है, उस पर एक नंबर दिया गया है। ये लेक्चर हॉल आपको दिख रहा है, इसको मैं आपको नज़दीक से लेके जाके अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इस लेन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमको ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे पहला आपको दिखेगा ग्राउंड फ्लोर पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यहाँ से एंट्री लेके हम दूसरे भवन में भी जा सकते हैं, ये भवन जो है चारों तरफ से कनेक्टेड है। आइए चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ, गणित विभाग। ये जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग से बहुत ही पुरानी है, जिसके अंदर एक एक दो दो फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये रहा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। इस तरह से आपको हर एक बिल्डिंग में एक एक दो दो फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे क्लासरूम से आप बाहर से सीढ़ियाँ देख सकते हैं। इन सीढ़ियों से हम अलग अलग क्लासरूम में फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। छोटे छोटे क्लासरूम और बड़े बड़े क्लासरूम भी है जहाँ पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते हैं एमएससी या एमए या एमकॉम कोर्सेज के लिए। साथ ही चलते हैं, ये एक अलग बिल्डिंग है, इसमें फिलोसफी डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही इसके यहाँ पर आपको दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जो कि एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है। अब यूनिवर्सिटी में आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस पूछते हुए दिखा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ पे, आपने पढ़ाई कहाँ पे की है? करेस्पॉन्डेंस था ना, आइडल से किया मतलब, तो उधर बिल्डिंग है ये आइडल के पास कह देंगे। बहुत से
लोग परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कहाँ जाना है, एडमिशन किस तरह से लेना है, कहाँ करना है। तो आप अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये बिल्डिंग कहाँ है, वो बिल्डिंग कहाँ है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो देखा है। तो हम वापस लौटकर उस बस स्टॉप पर आ चुके हैं, यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि बसेस से आप सेंट्रल रीजन कुर्ला के लिए बस से जा सकते हैं। चलिए इस रूट से, ये रूट हमारा 2 था और इस रूट से आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हैं तो आपको गेस्ट हाउस मिलता है, WRIC गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए है, रिलैक्स करने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है ICSSR कैंटीन और गेस्ट हाउस। ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट है। वापस हम जंक्शन पे आ चुके हैं, मेन जंक्शन, और जब यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट लेने के बाद हमें वापस से वही WRIC गेस्ट हाउस का जो पिछला हिस्सा दिखाई देता है, और आखिर में जो सेंटर ग्रुप साइड का बैक साइड गेट था वहाँ पर जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था वहाँ पर ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है जो न्यू बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग पोल लगाया गया है, जहाँ जब यहाँ फ्लैग लगता है बहुत ही बड़ा तो बहुत शानदार दिखाई देता है इंडियन फ्लैग। तो दोस्तों ये जो पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का बैक साइड का गेट है। इस गेट से भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप स्टेशन साइड से आते हैं, और इस गेट से आप एग्जिट भी हो सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये बैक साइड गेट है। इस गेट के सामने जो बिल्डिंग है फॉरेंसिक साइंस की बिल्डिंग्स है, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ग्रैंड हयात होटल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रैंड हयात होटल की एंट्री यहाँ से है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हम लोग देख रहे हैं बैक साइड गेट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एडमिशन्स के टाइम पे एंट्री फ्री होती है, बट अब ऑफ सीजन है एडमिशन का, तो जो एंट्री लेते हैं लोग अगर उनके पास वैलिड आई कार्ड है यूनिवर्सिटी का या उन्होंने एडमिशन लिया होगा तो ही इस गेट से एंट्री मिलती है, नहीं तो जिस गेट से हम घुसे थे मेन गेट से उस गेट से कोई भी कभी भी एंट्री ले सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, मुंबई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतने सारे डिपार्टमेंट, और मैंने आपको सारे के सारे पार्ट जो है कवर करने की कोशिश की, स्टूडेंट के लेक्चर रूम से लेके आइडल बिल्डिंग से लेके एग्जाम हाउस तक, कैंटीन से लेके लाइब्रेरी तक, एंट्री से लेके एग्जिट तक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आप एक स्टूडेंट है डिग्री लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जरूर एडमिशन लें और डिग्री लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।